हेलो हाय नमस्कार पहला को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज मैं जल्दी जल्दी बाजी में रेडी हो रहा हूँ और फिलहाल टाइम हुआ है 7:21 और आज पेपर है मेरा पुलिस का रुद्रपुर में। तो फिलहाल फाइनली हम लोग वहाँ जा रहे हैं, मेरा नहीं सॉरी क्या बोलते हैं है किसी का देख लोगे आप। अभी पेपर है पुलिस का, उसी के लिए जा रहे हैं। 11 बजे से पेपर है होने को, तो बट जल्दी पहुंचना पड़ेगा ना वहाँ पे। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स क्या होता है, पहले टाइम से पहुंच जाओ तो बहुत ही बढ़िया है। और वो लोग भी बोलते हैं कि टाइम से आना आना आप, तो इसीलिए हम टाइम से निकल रहे हैं। अभी फिलहाल मैंने नहा धो लिया है, आप लोगों को लग रहा होगा डामर नहीं नहाता है ना, नहीं नहाता है डामर, मजाक कर रहा, नहाता है डामर, नहाता है लेकिन लगता नहीं है ना डामर। डामर है वो, फिर कैसे लगेगा है ना। ये भी असरी है हमारी चुटकी। और ये उठ गए, हाँ संडे का दिन है ना, पता ही है बच्चे संडे के दिन एक्साइटेड रहते हैं। और दिन नहीं उठेंगे, आज उठ जाएंगे। तो मैं जूता पहनना हूँ यार, कुछ नहीं पहनना हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको लग रहा होगा क्या कर रहा है झुक झुक के। तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। और बेस्ट ऑफ लक बोल दो जिसका भी पेपर है उसके लिए, सभी को बेस्ट ऑफ लक। जितने भी उत्तराखंड के पुलिस का पेपर देने जा रहे हैं, पुलिस का फिजिकल दिया है, सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक यार। तो देखो गाइस यहाँ पे नाश्ता रेडी हो रहा है हमारा, यहाँ पे पराठे बन गए हैं फर्स्ट क्लास से। और नाश्ते में क्या है, सब्जी आज बासी सब्जी देख रहे हो। अगला पेपर देने के लिए जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतना फिजिकल निकाला 100 में से 101%। हाँ। अगले ने और पेपर की तैयारी चल रही है। कभी तैयारी करी पुलिस की? भाई साहब जब निकला था ना मैंने, वो तो मैंने करी नहीं जॉब। क्या बताऊं अब, जॉब करी करी नहीं करेगी, दौड़े नहीं दौड़े, दौड़ा इतना दौड़ी दौड़ा नहीं भाई, बहुत दौड़ा गाइस, बहुत दौड़ा, उल्टी हो गई फिर मेरे को। पुलिस की तो दौड़ निकाल दी मैंने, फिजिकल वगैरह सारा निकाल था, रिटर्न में ही रह जाते हैं पता ही है तुम्हें। बाकी चलते हैं यार नाश्ता वास्ता करते, जल्दी से दे दे नाश्ता गर्मा गर्म। ये देखो कितने बढ़िया बिनीता सी अच्छे पराठे। सो फाइनली गाइस नाश्ता वास्ता हो गया है, अब निकल रहा हूँ, हेलमेट वेलमेट रेडी, अब जैकेट डालते हैं मोटी वाली क्योंकि लंबा है सफ़र, 2 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो चलते हैं। भैया निकल रहे हैं अब हम, प्रवेश पत्र पकड़ लिया है, दूध का डब्बा पकड़ लिया है, वहां जाने तक दूध पीते पीते जाएगा ये। चलो फिर जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हम चल रहे हैं डैम के किनारे किनारे, इस साइड में डैम दिख रहा हो आपको, और ये वाली रोड थोड़ी सी ऐसी है। अभी तो हम नीचे से आ रहे हैं, इसके नीचे नीचे बहुत लंबा, इसके नीचे से आए। अभी डैम में थोड़ा पानी कम है, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, फिलहाल है ही पानी जितना भी है। तो इसको नज़ारे यहाँ के बढ़िया से, और ये शॉर्टकट है, मतलब आपको अगर हम वहाँ से आते तो फिर हमें लंबा होकर आना पड़ता, यहाँ से सीधा हम नानक पत्ता पहुँच जाएंगे। ये एरिया ही नानक मत्ता का है, मतलब पूरा सारा, बस थोड़ी सी रोड ऐसी है, बाकी तो नज़ारे बहुत बढ़िया है। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, इतना पता नहीं है, मतलब ये वाला रोड इधर को जाता है रुद्रपुर को, और हमें इधर ही को जाना है। अभी भटक गए थे हम, समझ में नहीं आ रहा तो रुक गए इधर पे, तो निकलते हैं फिर। अभी हम रुके हैं पेट्रोल पम्प में, पेट्रोल भरवाया यहाँ पर से, अब निकलते हैं। गाड़ी भी थोड़ा सा दिक्कत कर रही, पीछे वाला टायर बबलिंग कर रहा है मेरा, इसको भी दिखाना है एक बार, इसको छोड़ के क्योंकि लेट हो रहा है, टाइम भी 9 बज गए हैं। तो निकलते हैं अब हम, अब ये ड्राइव करेगा, मैं बैठूंगा पीछे। तो भैया हम पहुंच गए हैं किच्चा में, और हमारी गाड़ी फिर से बनती शायद रिजर्व, किच्चा में पहुंच गए हैं। अब यहां से लगेगा लगभग आधा घंटा हमें रुद्रपुर पहुंचने में, और किच्चा में भी आज पेपर है, पुलिस का पेपर जो है किच्चा में भी है शायद से, अभी भीड़ लगी थी पीछे वाले कॉलेज कहीं पर, और हमें सीधा आगे जाना है इसी रोड में, और पूरी पुलिस वगैरह लगी हुई है यहाँ।
क्योंकि पेपर है तो आज ज़्यादा ही पुलिस लगी हुई है। देखो जहाँ तहाँ आपको सब जगह पुलिस ही पुलिस दिखेगी। तो गाइज यहाँ की भाग दौड़ को देखते हुए पता चल जाता है कि ये रुद्रपुर शहर है, मतलब शहर है। किसी भी शहर, बड़े शहर में जाओगे तो आप सभी को किसी को किसी से मतलब नहीं रहता। सब लोग अपनी भाग दौड़, कोई सब्जियाँ ले जा रहा है, कोई ऑफिस को जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो सभी लोग अपनी अपनी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। गाँव जैसा माहौल नहीं होता, यहाँ पर आके अलग ही थोड़ा सा कुछ अलग ही लगता है, और जैसा मुझे भी लग रहा है वो पूरा खचा खच भरा हुआ है। सुबह ही सभी लोग अपना अपना काम पर निकल गए हैं, कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। देखो इतनी भीड़ है, सुबह ही इतनी भीड़ लग गई, और गाँव में इतने बजे तक मतलब आदमी थोड़ा घर ही के कामों में व्यस्त रहता है, ऐसे इतनी बिजी लाइफ नहीं रहती है मतलब। लेकिन यहाँ पर देखो सब लोग अपने अपने काम पर, किसी ने ठेला खोल लिया, कोई चाय वाला आ गया। तो सुबह ही 9 बजे 9 साढ़े 9 बज रखे हैं, तो इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है देखो शहर की। जॉब करने वाले अपनी जॉब को जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पेपर देने के लिए, लेकिन हम तो आज ही आए शहर। अपना एरिया भी शहर जैसा है, मतलब प्लेन से है, लेकिन इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी नहीं हमारे यहाँ पर। सब लोग रिलैक्स रहते हैं, और सबसे मेन बात तो ये कि ये जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो धुंध छा रही है, ये इसका एक मेन कारण ये भी है कि ठंड की वजह से नहीं, अब पॉल्यूशन की वजह से भी हो रखा है इतना सारा। ये सिटी का जो पॉल्यूशन है, फैक्ट्रियों का धुआं और इतनी गाड़ियाँ वगैरह, तो इस चीज़ का ये जो धुंध दिख रही है ना, वो उस चीज़ की धुंध है, वो ठंड वाली धुंध नहीं है। काफ़ी लोग रुद्रपुर से देख रहे होंगे, जो रुद्रपुर से ब्लॉग देख रहा हो कॉमेंट करना, वो भी बताना कि आप रुद्रपुर कौन सी जगह से हमारे ब्लॉग देखते हो, रुद्रपुर से या फिर हल्द्वानी इस एरिया से, पिछा सितारगंज कहाँ से आप लोग हमारे ब्लॉग देखते हो। और ये एक पहाड़ दिखाता हूँ यहाँ पर, रुद्रपुर में ही पहाड़ है गाइस, बहुत बड़ा पहाड़ है। और एक पहले ऐसे रेस कम क्यों नहीं हो रही आज, ठंड के मारे रेस कम नहीं हो रही, तो बाल बाल बचे अभी। और मैं अभी आपको कह रहा था कि मैं पहाड़ दिखाऊंगा आपको, पहाड़ दिखाता हूँ मैं रुद्रपुर का, बहुत बढ़िया पहाड़, बहुत ही सुंदर, क्या कहें मतलब ना। ये देखो ये आ गया कूड़े का पहाड़ गाइस, पहाड़ तो है लेकिन ये कूड़े का पहाड़ है। और ये अभी नीचे से काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन ऊपर में इतना बड़ा पूरी चट्टान बनी हुई है, ये पूरा कूड़ा है देख लो, कूड़ा ही कूड़ा। तो इसका इसकी जो मतलब यहाँ पे वो आती है ना बदबू, तो बहुत बुरी लगती है। ये ऐसे चलते हैं यहाँ पे, देखो गाड़ी वाले ऑटो वाले ऐसे चलते गाड़ी, देखो देख रहे हो कैसे मतलब रफ चलते रफ से, इधर ही को जाना ना। तो हमें इसी एरिया मतलब हमें इसी रोड में जाना है, ये पता नहीं कौन सा रोड है, शायद हल्द्वानी रोड है मेरे ख्याल से वाला। तो फिलहाल आ गए हम गलियों में रुद्रपुर के अंदर अंदर जाके, गलियाँ तेरी गलियाँ मुझको भाए, गली गली जा रहे हैं। देखो गूगल मैप के सहारे आगे से राइट लेना हमें, और बंगाली कॉलोनी गली नंबर 1 में, वहाँ पर इनका पेपर कृष्णा इंटर कॉलेज, यहाँ से राइट लेके सीधा, यस। देखो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी देख लो भैया, किसी को टाइम नहीं है किसी के लिए भी, बिल्कुल एक मिनट नहीं रुक दे रहे हैं हमारे लिए कि हम रोड क्रॉस कर लें, तब गोली बने पड़े। ये पेपर आ गया शायद तुम्हारा, ये दिख रहा है, ये इंटर कॉलेज आर्य कन्या इंटर कॉलेज है। देखो कितने अभ्यार्थी खड़े हैं आगे से लेफ्ट। तो भैया इनकी हरकतें अब देख लो, अभी ये पेपर देने आए हैं और टाइम हो गया, आधा घंटा बचा हुआ है इनके पेपर देने का। अब जाके इनकी फ़ोटो खींच रही हैं, अब जाके तैयार हो रहा है इनका वो क्या बोलते हैं आधार कार्ड वो चीज़ें। क्या ही पेपर दोगे रे तुम, क्या गुंडे बनोगे, क्या पुलिस वाले बनोगे तुम, कैसे होगा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो फाइनली ये पेपर वेपर दे के आ गया भाई। कैसा रहा पेपर? बढ़िया बढ़िया। कितने आएंगे नंबर? आएंगे 100 में से 100। 2 स्टार लगा के आएगा घर या 4 स्टार? 2-3 स्टार रहेगा सो, फिलहाल तो 2 ही लगेंगे। चलो फिर चलते हैं, हम खाना भी नहीं खा रहे, अब खाते हैं खाना हो ना, निकलते हैं। तो निकल गए अब हम, मुर्गी चल तू चला तुझे खाते हैं। लेट्स गो भाई, तो हो गया इनका हेलो हेलो अंदर, अब पता चलेगी हेलो हेलो जब आएगा रिजल्ट।
फाइनली खाना वाना खा लिया, अब निकल रहे हैं हम घर की ओर। रुद्रपुर क्रॉस करते हुए पहाड़ आ गया, वो सामने पहाड़ दिख गया होगा दोबारे से आपको। ये देखो भैया कितनी लंबी लाइन लगी है, वो पीछे 3-4 किलोमीटर से लाइन लगी है ये ट्रकों की, और जाम लग रहा है इधर पूरा का पूरा पूरा जाम। इस साइड में पूरी भीड़ लगी हुई है, पता नहीं कितने किलोमीटर तक और ये इतना लंबा जाम होगा। और हम तो खैर इस वाली रोड में जा रहे हैं, तो हमारी रोड में तो है नहीं अभी फिलहाल, लेकिन वो वाली रोड में बहुत बफल हो रही है, बहुत सारी गाड़ियाँ इधर से भी आ रही हैं इसके चक्कर में।